सोच क्या रहा है विकी? मारते इसे। विक्रम, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसने तेरी आजादी छीनी है विकी। नहीं विक्रम, इसने तुझे कभी नहीं रोका। इसी की वजह से तेरे हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया। इस बेचारे ने तेरी सफलता के लिए निर्जल व्रत रखा था। ऑफिस पर कंट्रोल, तेरा खर्चा, ये सब बंद हुआ इसकी वजह से। गायत्री बाबूजी की दी हुई जिम्मेदारी पूरी कर रही थी विक्रम। विकी, सोच मत, मारते इसे, सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा, ऐशो आराम की जिंदगी वापस आ जाएगी। विकी, सोच क्या रहा है विकी? आगे बढ़, गला घोंपते इसका, आगे बढ़ विकी, आगे बढ़, आगे बढ़। क्या हुआ, आप सो ही नहीं रहा था? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी, मैं देखो, अगर तुम्हें मेरे किसी भी बात पर यकीन ना हो तो बेझिझक मुझे बता देना, साफ साफ बता देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बात क्या है? समझ नहीं आता कैसे कहूँ। ऐसी क्या बात है जो आप कह नहीं सकते? जब से तुम इस घर में आई हो, मैंने तुम्हें कभी पत्नी नहीं माना है। तुम मेरे लिए एक प्रॉब्लम रही हो, और ऐसी प्रॉब्लम जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता था, इस घर से निकालना चाहता। ये सारी बातें आप आज क्यों? प्लीज मुझे कहने दो। मैंने हर कोशिश करके देख ली, लेकिन तुम्हारे विश्वास और सब्र के सामने मैं हार गया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। तुम्हारी जिंदगी, यहां तक कि तुम्हारे शरीर, मैं तुमसे हारना नहीं चाहता था, लेकिन हर कदम पे तुमने मुझे हरा दिया, और मैं तुमसे नफरत करने लगा। इतनी नफरत करने लगा मैं तुमसे कि कल रात में क्या हुआ? कल रात बताइए ना, क्या हुआ कल रात? प्लीज आप मुझे बताइए, क्या हुआ कल रात? गायत्री, कल रात मेरे मन में ख्याल आया कि मैं तुम्हारा खून कर दूं। और कल पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गिर चुका, कितना बुरा बन चुका हूं मैं। गायत्री, मैं बहुत कुछ हो सकता हूं, लेकिन मैं एक खूनी तो नहीं हो सकता। इस नफरत की वजह से मैं अपने घर से, अपने आप से मैं कितना दूर चला गया था, भटक गया था मैं। लेकिन मैं वापस लौटना चाहता हूं, मैं वापस अपने घर आना चाहता हूं। गायत्री, क्या
क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? क्या तुम मुझे अपना सकती हो? प्लीज चुप हो जाइए, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। नहीं भूल सकता मैं, कैसे भूल सकता हूं, और भूलना भी नहीं चाहता। तुम्हारे हर सकब को याद रखना चाहता हूं, ताकि उन्हें अपने प्यार से भर सकूं। आई प्रॉमिस यू गायत्री, आज के बाद तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ खुशी नजर आएगी, मैं तुम्हें वादा करता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। हीरो गायत्री, अब एहसास हुआ कि सच कहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन सच कहने के बाद दिल कितना हल्का होता है गायत्री। आई एम सॉरी, चुप हो जाइए, बंद कीजिए रोना। हम माँ बाबूजी के पास चलते हैं, हम उन्हें खुशखबरी देंगे। बाबूजी ये सब सुनकर कितने खुश होंगे। बाबूजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं हूं ना आपके साथ, मैं चलूंगी आपके साथ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहू, मैंने विक्रम की बात पर यकीन करना छोड़ दिया है। बाबूजी, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये सच कह रहे हैं। विक्रम ने आज तक सच बोला है जो अब बोलेगा? गायत्री, मैंने कहा था ना, बाबूजी कभी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। बाबूजी, ये कहाँ का इंसाफ है कि आप किसी इंसान की बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास न करें क्योंकि उसने कभी झूठ बोला था? इस तरह तो कभी भी किसी को सच बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा बाबूजी। आई एम सॉरी बाबूजी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक बार आप इन्हें समझने की कोशिश तो कीजिए ना। मुझे खुशी है बहू कि तुम्हें अब भी विक्रम पर इतना विश्वास है। मुझे भी पहले कभी था। बाबूजी, बाबूजी मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं बदल गया हूं? देखो विक्रम, जो बात इंसान अपनी जबान से साबित नहीं कर सकता, उसे अपने कर्मों से साबित करना चाहिए। मैं समझ गया हूं बाबूजी, मैं अपनी बात साबित करके रहूंगा। आई प्रॉमिस यू बाबूजी। थैंक्स। हाय। आप कब आए? अभी। कुछ काम था? कही। मैं बस यूं ही सोच रहा था गायत्री कि क्यों ना हम दोनों देवी माँ के मंदिर जाएं दर्शन के लिए। और मुझे माफी भी तो मांगनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, देवी माँ तुम्हारे जैसे बड़ी दिल वाली होगी? मतलब मुझे माफ तो कर देंगी ना? क्यों नहीं करेंगी, देवी माँ के यहाँ से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं आता।
अरे बहू, तुमने बताया नहीं तुम मंदिर जा रही हो। माँ जी, ये चाह रहे थे कि हम दोनों साथ में मंदिर जाएं। बहू, विक्रम ने तुमसे मंदिर जाने को कहा? जी बाबूजी। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा कि तुम बहू के साथ मंदिर गए। हाँ माँ, मैंने बहुत देर कर ली थी, ये काम मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। ब्लू इवनिंग गाउन ना। अरे कविता, पूजा लो प्रसाद। मुझे नहीं खाना। लेकिन ये तो माता का प्रसाद है। बोला ना, माता को हो या पिता का, मुझे नहीं खाना। कविता, ये कोई तरीका है बात करने का? गायत्री तुम्हारी भाभी है। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी कविता। चलो हाथ बढ़ाओ, प्रसाद दे दो। और तुम्हें, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? गायत्री, गायत्री, हाय। हाय। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा काम। कबर्ड साफ कर रही हो? वो कबर्ड कभी साफ ही नहीं होता ना। ये देखो तुम्हारे लिए, ला। ये क्या है? देख तो लो। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। अच्छा तो है, लेकिन ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? क्यों नहीं पहन सकती हो? नहीं, मेरा मतलब है पहन सकती हूँ, लेकिन इसे पहनकर माँ बाबू जी के सामने जाऊंगी तो वो क्या? कविता और पूजा तो पहनते हैं, तो तुम क्यों नहीं पहन सकती हो? उनकी बात अलग है। कैसे? मैं इस घर की बहू हूँ। नहीं, पहले तुम मेरी बीवी हो। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ? बस यू ही, गेस ना। बताइए ना कहाँ जा रहे हैं? मामा मामी के यहाँ। लेकिन इस तरह बिना बताए अचानक? अचानक नहीं, मैंने फोन किया, कह दिया उनको, they expecting us। आपने खुद फोन किया उन्हें? जी हाँ, मैंने ये सोचा कि भाई शादी के बाद हम दोनों साथ में गए नहीं है तो क्यों ना चले जाएं। ठीक किया ना मैंने? एकदम ठीक किया। ए वासु। हाय विक्रम। अच्छा विक्रम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार, तूने गायत्री के सामने कविता को डांट दिया? कविता ने खामे कुछ ऐसा किया था। ऐसा क्या, आसमान फट पड़ा? सिर्फ प्रसाद के लिए तो मना किया था। वासु, उसने गायत्री की बेइज्जती की। विक्रम, इतनी सी बात के लिए तूने पूजा और कविता को डांट दिया? दोनों मुंह फुलाए बैठे हैं। वासु, मुझे तुमसे नहीं सीखना मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ए विक्रम, हैंग ऑन यार, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग गायत्री और तेरे बीच क्या चक्कर चल रहा है? वासुदेव, कुछ भी कहने से पहले सोच लेना, तुम मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो। विक्रम, अगर तुमने कुछ भी गलत कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। विक्रम, तुझे क्या हो गया है? और एक और बात है, इस घर में अगर रहना है तो अपने दायरे में रहना। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। थैंक्स। क्या कहा तुमने? सुधर गया विक्रम, मर्रा मर्रा बोलने वाला, राम राम बोलने लगा राज। मेरा बस चलता ना, मैं तो विक्रम। तुम कुछ नहीं कर सकते। डोंट प्रोवोक मी। ओके, जस्ट रिलैक्स। क्या तुम्हें यकीन है कि विक्रम सुधर गया? हाँ राज, वरना विक्रम और मुझ पर चिल्लाए। इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। रियल बैड न्यूज़। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे चिंता है कैलाशनाथ के कमलिस की। ये सडन चेंज कैसे आया उसमें? शेट्टी के क्लब में हार जाने के बाद जब उसे पता चला कि गायत्री ने उसके सारे खर्चे बंद कर दिए। That's it। ये वो नाटक शेट्टी के पैसे चुकाने के लिए कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा होता तो विक्रम मुझे बता देता। एक काम करो वासु, तुम शेट्टी से कहो कि वो विक्रम के घर जाए,
एक बार शेट्टी के पैसे मिल जाएंगे ना, विक्रम फिर से ठीक हो जाएगा। मैंने तो गायत्री को कितने बार कहा कि तुम्हें घर पर ले आए, लेकिन हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेती थी। ये लो राजमा। थैंक यू। दरअसल मामी जी, इसमें गायत्री की कोई गलती नहीं है, मैं ही बहाने बनाता रहता था। लो ये पालक भी लो। एक ही दिन में सारी कसर पूरी करोगी क्या? अच्छा मलिका, तुम क्या कर रही हो? बीकॉम फाइनल ईयर। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रही हूँ कि फर्दर स्टडीज के लिए उसे यूएसए भेज दूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, जब भी जाना है बता देना, इंतजाम हो जाएगा। सर जीजा जी। अच्छा रूपाली, तुम क्या कर रही हो? बस मलिका के पीछे पीछे हूँ। और अब्रॉड भी जाओगी? नो वे। अब्रॉड तो घूमने के लिए है, पहले यहाँ पढ़ो और फिर वहां जाके पढ़ो, हाउ बोरिंग। यू नो रूपाली, तुम्हारी मेरी बहुत जमेगी। बिल्कुल मेरे ख्यालात के हो तुम। सच? विक्रम बेटा, तुम मामा जी को बिजनेस में क्यों नहीं हेल्प करते हो? बस ये भी कोई कहने की बात है मामा जी? लो बिरयानी, जब भी आप चाहें। मामा जी, आपने मीठा या डिजर्ट नहीं बनाया? ऑफ कोर्स बनाया ना, तो फिर उसके लिए भी जगह छोड़ते। वाह बेटा, क्या बात कही है। गायत्री हाथ धोना चाहते हैं। आइए। वाओ, क्या बंदा है मॉम, इज़न्ट ही कूल? आपको हम में से किसी एक ही शादी इनके साथ करानी चाहिए थी। बिल्कुल मामा, हाथ आया मौका आपने गायत्री को दे दिया। कामनी, ये तुम आज जो देख रही हो ना, ये गायत्री के सब्र और विश्वास का नतीजा है। देवी माँ ने आखिर उसकी प्रार्थना सुन ली। कौन साहब हैं आप? विक्रम किधर है? विक्रम से आपको क्या काम है? उधर छोड़िए, वो मेरे और उसके बीच में है, बुलाइए उसे। अजीब किस्म के आदमी हैं आप, ये यूं इस विक्रम, ये साहब का? विक्रम साहब, मेरे 5 लाख रुपए कहाँ हैं? 5 लाख? बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभालूंगा। आप बाहर आइए, बहुत जरूरत है। हाँ चलिए ना, बाहर कहाँ आप, चलिए ना, मुझे बाबूजी मैं संभालूंगा, आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी। लेकिन तुम मुझे, अरे मैं बाहर तो आइए यार। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना। देखिए शेट्टी भाई, मैंने मुझे लेके जाना ही है, ठीक है, लेकिन मैंने आपसे एक हफ्ते की मोहलत मांगी थी। आपको घर आने की क्या जरूरत है? जरूरत बोले तो देखो मिस्टर विक्रम, मैं अपना पैसा वसूल करने के लिए आया हूँ, ठीक है, लेकिन धीमे मैं भी मांगने के लिए नहीं आया आपसे। अरे शेट्टी भाई प्लीज धीमे बात कीजिए, मेरे परिवार को सुनाई देगा, मैं फिर से अपनी पत्नी की नजरों में गिर जाऊंगा। तो मैं क्या करूँ, वो तुम्हारा पर्सनल मामला है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए मुझे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए बस। देखिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर जुआ क्यों खेलते हो? इतने आलिशान बंगले में रहते हो, पैसा नहीं है? धीमे बात कीजिए ना आप भी, सच्ची यार। देखिए एक हफ्ते मैं एक काम करता हूँ, बोली मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जाता हूँ, तुम्हारे पास जब पैसा हो मुझे लौटा दर अपनी गाड़ी ले जाना। आप गाड़ी कैसे ले जा सकते हैं? सुनिए लो तुम्हारे 5 लाख रुपए। उधर क्या देख रहे हो, पैसे लो, गिन लेना पूरे 5 लाख हैं कि नहीं। उसकी जरूरत नहीं है, अगर कम होंगे तो दोबारा आऊंगा मैं। गायत्री, I'm sorry. किस बात का टेंशन है अब? शेट्टी को पैसे लौटा तो दिए। विक्रम बाल बाल बच गए, वरना मैं तो इस परेशानी में था कि शेट्टी को पैसे कैसे चुकाएंगे। और उस्ताद तेरे पैंतरे को मानना पड़ेगा, क्या पैंतरा खेला है तूने, अमेजिंग। इनफैक्ट कुछ समय के लिए तो मैं इतना परेशान था कि स्पेशली जब तूने मुझसे कहा कि वासु बिहेव योरसेल्फ अगर तुझे इस घर में रहना है। विक्रम मेरे दिल पर क्या गुजरी है आई कैन नॉट टेल यू, बट दैट वॉज योर एक्ट। तुम्हें अभी विश्वास है कि विक्रम बदल गया? ये ले ग्लास पकड़।